शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित कौवा बाग डेयरी कॉलोनी में बुधवार की देर रात आपसी विवाद में दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात हुए डबल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर मौके पर मुकामी पुलिस के साथ आला अधिकारी भी पहुंच गए और मामले की तफ्तीश में जुट गए। मिली जानकारी के अनुसार डेयरी कॉलोनी में स्थित एक खाली मकान में दावत के दौरान दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों में RPF लखनऊ में तैनात सिपाही का भतीजा रानू सिंह 28 साल और कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के धोबी छापर निवासी रमेश यादव 24 साल शामिल है। घटना बुधवार की रात 12 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही SP सिटी विनय कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। दारू बोतल मिल जाता हूँ मैं। और वीडियो बनाओ था नगर वाला ही पता चलता है। बिल्कुल रात में कल कोई 12 बजे के बाद आसपास 100 नंबर पर भी सूचना आई और हमारा चौकी अफसर भी वहीं पास में ही किसी बड़ा ये पेट्रोलिंग कर रहा था, उसको भी किसी ने बोला तो तुरंत ही मौके पे पुलिस पहुंची 5 मिनट के अंदर ही। तब तक के दो लोगों का मर्डर हो गया था और जैसा प्रथम दृष्टया पाया गया है, एक मरने वाला रमेश यादव है, इस पर भी बहुत सारे पहले से ही मुकदमे हैं और दूसरे एक रानू सिंह करके हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पर और भी लोग थे, जो कमरे का मुआयना वगैरह जहाँ पर ये कोठरी थी जिसमें बैठे थे, 5-7 लोगों के खाने पीने की वस्तुएं, हांडी में मीट पकता हुआ मिला और आराम से वहाँ पर शराब वगैरह भी पाई गई और मरने वाले के मृतक की जेब से भी शराब पाई गई। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर इसी तरह के मनबड़ और आपराधिक किस्म के लोग वहाँ पर बैठे थे और उनमें आपस में कुछ विवाद या रंजिश हुआ जिसमें गोली चली और दो लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई। उसके लिए अभी जांच चल रही है लेकिन उसके भाई के ऊपर काफ़ी सारे मुकदमे पाए गए हैं। सर को गिरफ्तारी है बदमाशों तक जी? बिल्कुल, अभी हिरासत में 4-5 लोग लिए गए हैं और चूंकि ये पहले से ही शातिर और मनबड़ किस्म के हैं तो ये सभी रात में ही मौके से फरार हुए हैं। उनके पीछे टीमें लगी हैं और जिले के बाहर भी कई टीमें गई हुई हैं। जल्दी इनको पकड़ लिया जाएगा और सभी आइडेंटिफाइड हैं। ये कोई ऐसी बड़ी लूट या इस तरह की हत्या या ढक्के कुछ करने की वारदात की फिराक में भी हो सकते हैं, ये जांच के बाद ही पता चलेगा।